उसमें अच्छे से बैल जोड़े जाते थे। अगर बैल नहीं होते तो भैंसा की जोड़ देते, तब पीछे मालवाड़ी गाड़ी भैंसा की आ रही थी, तो स्त्री क्या कहती, अरे भैसन वारी लड़िया लायो मैंने तो बुलाए थोड़े आए। हमने तो एक बात और सुनी थी, क्या बंदूकों के फायर होंगे, तब तक दूसरी कहने लगी क्या तुझे नहीं दिखता है पीछे भैंसा वाली लड़िया में एक बुड्ढे बैठे थे, बेचारे पे अकेले नहीं चला जाता था, हाथ में एक सटका लगा हुआ था, तो दूसरी कहने लगी वो पीछे देख ले, अरे सोटा मारो बुड़ रहा आयो औरतों के गाने को सुन करके नौ से और ज्यादा रोने लगा, मामा यहां सारे गांव में हल्ला मच रहा है कि मोटर कार आएगी, बंदूकों के फायर होंगे, मगर मामा मेरे अभी तक नहीं आई, मेरी सारी बात बिगाड़ दी। नौ से रोने लगा, किसी भले मानस ने जाकर के देखा नौ से रो रहा है, स्त्रियों को जाकर के धमकाया, क्यों अरे कहीं यही गाना रहा, तुम्हारे गाने को सुन करके नौ से रो रहा है, इसे छोड़ दो, और वो स्त्री बंद हो जाती है, बरात जो है आगे को बढ़ जाती है, क्या देखा आगे और 10-20 स्त्रियां खड़ी थी, वो और ज्यादा जोर से गाने लगी, क्या गाती है, अरे काए कुआयो ल जावे कुरी साहूकारों के बार, जमींदारों के बार, नंबरदारों के बार, काए पैसा में मोटर चलती है, अरे बाबू न लायो चलावे कोई साहूकारों के जमींदार काहे तू आयो न जावे कोई साहूकार। अरे बाबू न लायो चलावे कुरी साहूकारों के बा, जमींदारों के बा, नंबरदारों के बा, से सुन सुन के और ज्यादा जोर से रोने लगा, वही भला मानस कहने लगा अरे तुम पे यही गाली रही, छोड़ो इसको, नौसर रो रहा है, अब तो नौसे की बरात आगे के लिए बढ़कर की जाती है, इधर राचन के पास ड्राइवर कार को लेकर के पहुंच जाती है, राचन कार में बैठ गया और कार को बढ़ाया, कार चलने लगी, उस समय पर राचन खुश होकर के क्या गाना गाता है, क्यों रे भारत देश तेरी और बने कौन विधि बात, बाप जा में ब्याह ने तो इनकी बेटा करत बरात। आजकल प्यारे सज्जनों पुत्र बराबर का है और पिता जो है ब्याह करने के लिए ढूंढते, ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे देश तेरे उलटे तारे तुझको ले बैठेंगे ओ भारत, क्या उल्टी तौर पुत्र बराबर का है
पिता बुढ़े हैं, विवाह करने की तैयारी कर देते हैं, तो किस तरह से पिता को वरना बनाया जाता है? रात की कार जो है चली जाती है। अरे कार जो शेर बबर की, कार जब शेर बबर की सर रर धाई, सर हर करके रधाई, अरे सजनों सिरे नगर पर आई, अरे लड़की वाले के यहाँ आई, अरे वहां जाकर होरने भाइयों, वहां जाकर होरने दिया तो लगाई। कार को हॉर्नी वहां से चालू करवा देता है। रात की कार जो है चली जाती है। अरे कार जब शेर बबर की, कार जब शेर बबर की सर रर धाई, सर हर करके रधाई, अरे सजनों सिरे नगर पर आई, अरे लड़की वाले के यहाँ आई, अरे वहां जाकर होरने भाइयों, वहां जाकर होरने दिया तो लगाई। तब तक बारात आधे गांव में चढ़ चुकी थी। रात कार को लेकर के उस गांव में पहुंच जाता है। किसी ने कार को दूसरी रास्ते से रथ के सामने पर कार को पहुंचा दिया। राजचंद की कार रथ के सामने पर जाकर के रुक जाती है।
राज उतर करके कार में रथ के पास पहुंचा, देखा नौसे रो रहा है। राज पूछने लगा, क्यों रे तू क्यों रो रहा है? मामा मैं तो तुम्हारे लिए रो रहा था, क्या मैं मर गया था? नौसे को उतार करके रथ में से कार में ले गया और कार में बिठा ला। क्या होता है? अरे और भैया है गई ये और ते, अरे और अरे और भैया है गई ये और ते, अरे और भैया है गई ये और ते। अरे नौ से बैठा लो जाने अपनी कार मेरे और जाके सिर मेरे बने रहे होए मोरे। अरे महाराजा के सिर पे अरे बने रहे होए मोरा, अरे महाराजा के सिर पे अरे बने रहे होए मोरा। अरे नाई बैठा रो जाने एक मोटर मेरे और वो दोनों से पे ढोरी रहे हो चोरे। अरे चोरनों से पे अरे ढोरी रहे हो चोर, अरे चोरनों से पे अरे ढोरे रहे हो चोरा। आप राजन के लिए यार जब तक मैं फायर करूं अपनी बंदूक में तू गोली भर के तैयार रख, जब तू फायर करेगा मैं भर के तैयार रखूंगा। बारी बारी से फायर होने लगे, फायर जो है बंद नहीं होने पाऊं। अब बंदूकों के फायर होते हैं, वही भला मानस अब ऊपर को देखता है, छत के ऊपर स्त्रियां बैठी थी, वो फायर को देख करके मुंह का बोलना बंद हो जाता है। वही भला मानस कहने लगा, क्यों अब नहीं गाती हूं? जब से बड़ी तान तोड़ रही थी, बहुत बुलाए थोड़े आए री बिल्ली, कार नहीं आई मोटर कार नहीं आई, अब गाओ अब क्या गाना चाहती? अब स्त्री एक दूसरे से कहती, अब क्या गाए? जब से तो कहती थी कि मोटर कार नहीं आई बंदूकों के फायर नहीं हुई, अब क्या गाऊं? मगर एक समझदार औरत बैठी थी, वो क्या गाती है? अरे मेरे चुन्ना मारे री है, मेरा चुन्ना मारे री बंदूक तार तान के, चुन्ना मारे री बंदूक तार तान के, चुन्ना मारे री। अरे चुन्ना मारे चुन्ना मारे चुन्ना मारे री, ओहो चुन्ना मारे चुन्ना मारे चुन्ना मारे री, हमारा चुन्ना मारे री बंदूक तार तान के, चुन्ना मारे री बंदूक तार तान के, चुन्ना मारे री। छत के ऊपर काम निधारी का रहेगा पुजारी, इन गाड़ी को बिलगन मानो सुनिए सजन हमारी, और इन गाड़ी को बिलगन मानो सुन लो सजन हमारी। मंगल गावी जी त्रिया गाड़ी गावी जी, जय समी जान जान के, चुन्ना मारे री बंदूक तान तान के, चुन्ना मारे री। अरे चुन्ना मारे चुन्ना मारे चुन्ना मारे री, अरे चुन्ना मारे चुन्ना मारा चुन्ना मारा री, हमारा चुन्ना मारे री बंदूक तान तान के, चुन्ना मारे री बंदूक तान तान के, चुन्ना मारे री। अब तो राजकर बड़ा खुश होता है, बरात चढ़ती हुई लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंच जाती है, लड़की वाला स्वागत कराता है बरात के और बरात को चढ़ा करके जन्माष्टमी के अंदर पहुंचा दिया। रात्र के लिए लड़की वाले ने दो पल का मैं बिस्तरों के भिजवा दिए दोनों यारों के लिए। अब तो दोनों यार पलका पर बैठे हुए, रात्र कहता है, यार अभी टट्टी करने के लिए नहीं गए, बरात दावत के लिए जाएगी, लड़की वाला खबर भेजेगा, इससे दिशा मैदान के लिए चलना चाहिए। दोनों यार एक एक लोटा हाथ में लेकर के जंगल की तरफ को चल देते हैं। दिशा मैदान घूम करके आए, किसी कुआं पर जाकर के हाथ साफ करने लगे। उसी समय पर दरोगा जी 20 चपरासी साथ में लेकर के गांव में पहुंच जाते हैं और कहते जाते हैं, चपरासियों जाते जाते राजचंद के पैरों में गोली मारना,
अगर पैरों में गोली लगेगी वो भागने नहीं पाएगा, उसे जिंदा पकड़ करके ले चलेंगे। भारत सरकार की तरफ से हमें हमारे लिए बहुत भारी इनाम मिलेगा। राजचंद जान गया दरोगा जी मुझे पकड़ने के लिए आते हैं। राजचंद अपने यार को इशारा कर दिया, यार ये ले मेरी पिस्तौल, जाते जाते दरोगा जी को मारना। चुन्ना यार इतनी लत सुनकर के घबरा निलगा, भैया ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है तुझसे नहीं होगा मैं करूंगा। राजचंद ने अपने यार को एक टूटी सी झोपड़ी थी उसमें धसा दिया, अपने कपड़े उतार करके उसी झोपड़ी में टांग दी। वहीं पर एक फटा हुआ कंबल पड़ा था। राजचंद ने उस कंबल का खोइया मार करके सर पे से ओढ़ लिया। उसी झोपड़ी में से एक बांस खींच करके हाथ में लेकर के रुझका पर जाकर के घूमने लगा। तब तक दरोगा जी पास में पहुंच जाते हैं, आवाज लगाते हैं, कौन है गवार? राजचंद कहने लगा, मैं हूं चमार। चमार क्या नाम है तेरा? रदुआ। रदुआ तेरे गांव में बारात आई है? हाँ सरकार आई है। तो क्या उसमें मोटर कार आई है? नहीं मोटर कार मैं नहीं जानता हूं। कैसी मोटर कार होती है? हाँ एक बात जानता हूं, वो बिना बैलों के चलती है और चलते में आहट करती है, हर्र हर्र। दरोगा जी कहने लगे, उल्लू के पट्टे वही मोटर कार है। ये बतला तेरे गांव में बंदूकों के फायर हुए थे? हाँ ये जानता हूं, बंदूकों के फायर तो ऐसे हुए थे जिनको खांसी नहीं थी उनको हो गई खांसी, इनको खांसी थी उनको हो गया दम, जिनको दम था वो तो बिल्कुल ही खत्म। दरोगा जी कहने लगे, रदुआ ये बतला दे वो बारात कहाँ है? वो देख लो सामने पर जो लालटन जरी हुई है वही बारात है। दरोगा जी कहने लगे, रदुआ हमने रास्ता नहीं देखी, जब थोड़ी देर चल करके हमको बतला दे। चलिए राज। अरे आगे आगे फिर दरोगा के राधा चरण रहो जाई रे, अरे राधा चरण रहो जाई, अरे राधा चरण रहो जाई, अरे पीछे पीछे लेके पुलिस रहे रे दरोगा आई रे, अरे दरोगा आई बाद ना रहे दरोगा जी आई रे। अब आगे चल के राधा चरण ने दीनी है बताई रे, अरे दीनी है बताई गाला दीनी है बताई रे, मेरी साच मान ले बात सीधे चले जाओ भाई दरोगा जी, तो वो आगे डट रही है बारा। दरोगा जी देख लो वो सामने पर यही बारात रुकी हुई है। दरोगा जी कहने लगे, रदुआ अभी थोड़ी दूर है और आगे चल। नहीं सरकार अब नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं जान गया राजचंद डकैत को पकड़ने के लिए तुम जाते हो। अगर पता चल गया राजचंद को कि दरोगा जी मुझे पकड़ने के लिए आते हैं, सरकार वो पल्ली तरफ से गोली चलाएगा, तुम इस तरफ से चलाओगे, बीच में मारा जाऊंगा मैं, इससे मैं आगे के लिए नहीं जाऊंगा। चपरासी कहने लगे, सरकार ठीक बात है, ये डर रहा है इस बेचारे को जाने दो। दरोगा जी कहने लगे, चपरासी हो अगर हम घोड़े पर चढ़ करके गए राजचंद हमको पहचान लेगा कि दरोगा जी आते हैं। रदुआ क्या थोड़ी देर के लिए हमारे घोड़े को पकड़ सकता है? राजचंद कहने लगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर तुम्हारे घोड़े ने काट लिया? नहीं काटता नहीं, काटता नहीं है तो एक काम करो, इस ऊंचे से चबूतरा पे खड़ा हो जाने दो और घोड़े की बाग मेरे हाथ में दे दो और अपने हाथ का बैत मेरे हाथ में दे जाओ। दरोगा जी कहने लगे, क्या तेरे मन में चढ़ने की है? वाह सवा तुमको चढ़ने की पड़ी है, अगर साला मेरी तरफ को मुंह करेगा एक डंडा दूंगा जो चुरका फरका में जाए फैले रुचका में। रुचका में? दरोगा जी कहने लगे, कोई बात नहीं। राजचंद ऊंचे पर खड़ा हो गया, दरोगा जी ने अपने हाथ का बैत राजचंद के हाथ में दे दिया। अब दरोगा जी राजचंद को छोड़ करके आगे को चलते हैं। अरे अगर दरोगा बड़की भैया चलो रे अगर, अरे अगर दरोगा बड़के भैया चलो रे अगर, अगर दरोगा बड़के बाजना चलो रे अगर, अरे के तोरे पीछे फिर ये दुश्मन की रे और नार घोड़ा पे भयो रे अथवार, अथवार नार घोड़ा पे भयो अरे अथवार, अथवार नार घोड़ा पे भयो अरे अथवार, अथवार
घोड़ा पे वाटे चले गया। दरोगा जी बरात के लिए आगे को बढ़ करके जाते हैं, राजचरण फर रही घोड़े पे चढ़ गया और त्योतड़ा पर दो पैर जमा दिए, घोड़ा जो उड़ने लगा वहीं पर जाकर के पहुंच गया जहां पर अपनी यार चुना को छोड़ा था। आवाज लगाई, यार निकले बाहर। यार चुना ने देखा कि भैया दुर्गा जी को मार दिया अभी, फिर क्या घोड़ा जिंदे पे ले लिया। बिल्कुल इधर दुर्गा जी बरात में जाकर के पहुंच जाती। भैया मैं तो बहुत तेरी नाई गरीब पति देखो। इधर राणा चरण कभी अपने यार को चढ़ा देता है घोड़े पे, यार चार छह खेत दूर तक घोड़े को रोंदे चला जाता है, कभी रात कर लेता है, मीला घोड़े को रोंदते हैं, परेशान बारी बारी से घोड़े पे चढ़ते हैं और घोड़े को परेशान कर रहे हैं। दरोगा जी जाकर के बरात में पहुंच गए, जाकर के देखा रात बरात में नहीं है। दरोगा जी जान गए ये दो पल के पीछे है, ये दोनों यारों के चपरासी, इन पलकाओं के नीचे दो दो लेट जाओ। रात इस वक्त पलका पर आकर के लेटे, उसके पैरों में गोली मारा, चपरासी दो दो नीचे को मुंह करे कर ले जाते हैं, बेचारे सांस लेने लगे, एक एक झड़क मट्टी ऊपर को सूट गए, सर ही सर मचा रही, घबराए गए। दरोगा जी वो नहीं आएगा, दरोगा जी जान गए बहुत चालाक है, एक काम करो इस बरात में किसी मौजूद आदमी को पकड़ करके ले, उसे छुड़ाने के लिए राजकरण जरूर आएगा, जब पकड़ेंगे। दरोगा जी जाकर के बरात में पहुंच जाते, आवाज लगाई इस बरात का कौन मालिक है। नौ से उठ के खड़ा हो जाता है, कहिए सरकार इस बरात का मैं ही मालिक हूं और मैं ही नौ से हूं, बोलो क्या कहना चाहते हो। दरोगा जी कहने के चपरासी हो डाल दो उसके हाथ में हथकड़ी, और नौ से के हाथ में हथकड़ी डालते और लेकर के चल देते। इधर लड़की वाली को पता चल गया, नौ से को पकड़ करके पुलिस ले गई, दरोगा जी पकड़ ले गई। अब तो बरनी की माँ अपनी पुत्री को गोद में लेकर के रोती और क्या कहती है, अरे मैंने रामा नाहे जननी, मैंने रामा नाहे जननी, राधे श्या मैंने कोला जन्म रे मैंने कोला जन्म रे रोए रही है बरनी की मेतारी, हल्दी चढ़ी तू रह गई क्वारी, लगी भर रही है रोए ऐसी, अरे दुहता हो तई मर जाती तो तेरा आज परिया तारे हो की मां अपनी पुत्री को गोद में लेकर के रोती है, तेरा नाश्ता ऐसा आज तक नहीं हुआ, किसी दुल्हन के गात पर हल्दी चढ़ी हुई हाथ में कंकर बना हुआ क्वारी नहीं रही, मगर तू क्वारी रहेगी, तेरे पति को तेरे होने वाले पति को पुलिस पर करके ले गई, अब तेरा विवाह कैसे होगा। इतनी लफ्ज सुनकर के मां की कन्या रोती है और क्या कहती है, अरे बरनी रोए रही है, अरे दुल्हन रोए रही है, नैनन टेबल पे जल गिरा है, तुम्हारा क्या गला है ना रोए रही है, अरे
ले लल त्यावाला त्याजला कीरा काबराई रोए रही अरे ले लल त्यावाला त्याजला कीरा बरनी अपनी माता की लज्जा को सुन करके रोती है और कहती है अरे दिली दिली मेरे रघुराई अरे प्रभु तेने क्या माया फैलाई हाय ईश्वर क्या माया फैलाई आज मेरो बेरी बन गयो अरे स्वामी मेरो बेरी बन गयो खाने को बेरी खाने आजा मेरा बेरी बन गयो खाने का बेरी रे खाने दार आजो मेरा बेरी बन गयो तेरा का बेरी खाने दार रोती है तेरा नाश जाए मुझे मालूम नहीं थी मेरा दुश्मन निकलेगा तेरे का मेरे पति को पकड़ करके ले गया अरे तू क्यों ताहिने मार रही मेहतारी अरे तेने होते ही क्यों नहीं मारी अरे मैया होते ही क्यों नहीं मारी अरे तो ये मालूम है ती होते ही क्यों नहीं डारी अरे तो मालूम है ती होते ही क्यों नहीं डारी मार अरे तो मालूम है ती होते ही क्यों नहीं डारी मार माँ अगर तुझे ऐसी मालूम थी होते ही क्यों नहीं मुझे मार दिया था आज तू मुझसे ऐसे ताने मारती है और मैं तो अब ना रे जीऊंगी हाय मैं तो घोर की जहर पीऊंगी राम मैं घोर की जहर पीऊंगी अरे इतनी कही बेटी खाई है दर कहे बेटी खाई है धारा पाछा अरे अवे कमी कह देती खाई है धारा पाछा अरे सुने अबा महतारी हो तही कौन है दारी मार अरे सुने हवा महतारी हो तही कौन है दारी मारे अब ईश्वर तेरे लगी रही करनी अरे भर भर लगी रो रही बरनी हाय भर भर लगी रो रही बरनी अरे सब रोए रहे भैया सब रोए रहे जितने वाचारे नाते दारा का भावों सबा रोए रहे रे एकाने वाचारे नाते अरे सबा रोए रहे रे एकाने वाचारे नाते मेरी हो तही कौना दारी कहने अरे सुन मैया मेरी हो तही नारी कहने जितने भर नाते रिश्तेदार थे बेटी की रुदन को सुनकर के रोने लगे इधर दरोगा जी नशे को साथ में लेकर के चले जाते हैं और कहने लगे चपरासी उस रजुआ के हाथ में घोड़ा देकर के आए थे उस पैसे घोड़ा लेकर के आओ चपरासी कहने लगे सरकार बिल्कुल नहीं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्यों राचन